हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। असियत दोबारा फिर आ गया। तुहाडा सरखान विद यूसुफ पठान, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। भाइयों, ये उबैद भाई खड़े हैं। तुहाडा सरखान विद यूसुफ पठान एंड मोहम्मद उबैद। एंड मोहम्मद उबैद शेख साहब। बाकी यार, आज इसका काम करवाने जा रहे हैं भाई, करवा दो इसका काम। भाई जन, इसका इंजन चेंज करवा लो, जान छूट जाएगी तुम्हारी। मैं तो कह रहा हूँ इंजन की जगह तुझे ना बांध दूँ यहाँ पे, भागेगी तो सही। इसका इंजन रखवा लो, ये देखो इधर। अरे ये तो बहुत हैवी इंजन हो जाएगा। बाकी यार, इसका पेट्रोल लीक करती है बहुत ज्यादा खड़े हुए में, तो ये ठीक करवाने जा रहे हैं। ऑपरेटर ही चेंज करवा लो। हाँ हाँ, वो करवाते हैं चेंज। बाकी अभी जा रहे हैं हम वर्कशॉप लड़कों को बताते हैं कि भई ये सूरत हाल है इसकी, तो यार जल्दी से ठीक कराओ ताकि मैं पढ़ने भी जा सकूं। आज छुट्टी की आपके भाई ने। आज हमें वर्कशॉप पहुंचते कम से कम 1 घंटा लगेगा। क्यों? हमारा जो MDA चौक है ब्लॉक हुआ पड़ा है भाई। कोई टेंशन नहीं है, ये हमारे पास है तो ये हवाओं में लेके जाएगी हमें, पता है आपको। हवाओं में अगर लेके जाना फिर उसका इंजन में उसका इंजन तो फिर यार वो बहुत ज्यादा हैवी है, वो ये बर्दाश्त नहीं करेगी। तो यार अभी निकलते हैं। नियत खराब है, ये जो आपने हाफ वो पहने हुए है ना भाई, हाफ किए हुए पहने नहीं है। आप सॉक्स भी पहनो। नहीं यार, नहीं पहनी जाती मैं मेरी तरह बंद सवर के निकलो। हाय 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 हाय, नहीं मेरे से नहीं ऐसे निकला जाता, ये आप हैवी वाला काम करते हो। बाकी यार अभी निकलते हैं बाइक पे, तो वर्कशॉप पहुंच के आपको मिलते हैं। यार मैं तो अपनी गाड़ी को रो रहा था यहाँ पे, ये एक एम्बुलेंस में पड़ी हुई है भाई। इसका क्या हुआ है भाई जान? इसको हमने कलर वगैरह कराया भाई। अच्छा, एम्बुलेंस में पड़ी है भाई, तुमने सही किया है। उसके बेड पे लिटाया हुआ भाई, इन्होंने बाइक को सारा, ये देख सकते हो आप, खोल खोल के भाई रख दिया अंदर सारा। हाँ सही बात है, स्ट्रेचर पे लेट के इसका इलाज चल रहा है भाई जान, देख लिया फिर। ये वो गाड़ी है जब लोग बीमार हो जाते हैं, उनका BP हाई हो जाता है या लो हो जाता है, ये उनको पहुंचाती है इमरजेंसी। हाँ यार, खुद इमरजेंसी है। सही बात है भाई, ये इमरजेंसी आई हुई है। बाकी आज इसका हम आपको बाकी हिस्सा दिखाते हैं। क्या क्या हिस्सा पड़ा है इसका भाई जान? आए हाय 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 भाई जान, फुल यार। वो पंखों वाला कलर तो शुक्र उतारा आप लोगों ने, वो जो उस पे पंखों वाला कलर हुआ था व्हाइट कलर का, ये राणा साहब को इसके ऊपर बैठना पड़ेगा। किंग भाई लगा दिया, यानी ये शूटर गाड़ी है, कोई टेंशन नहीं लेनी आपने, ये सूजी से भी आगे जाएगी। यार बड़ा हैवी काम कर रहा है इसका, बस इसमें वो काम ना कर देना जो उन्होंने किया था, वो पहले दिन से ली थी ये 2 नंबरी काम उस पे हुआ था वो भाई। हैवी टायर, अरे जम के चलेगी। सही बात है। बाकी यार ये टायर, इसको आप चेक कर सकते हो, बहुत प्यारी कर रहे हैं ये। देखते हैं जब ये बन जाएगी, इसकी प्रॉपर आपको वीडियो दिखाएंगे भाईजान। साउंड ऐसी ऐसे ही छोड़ देंगे हम सब दिखाएंगे आपको। तो यार फाइनली शाम हो चुकी है भाइयों, यार बहुत ज़्यादा सर्दी है और दूसरा काम बहुत ज़्यादा है भाइयों, वेले मसरूफ है हम तो भाई, वेले मसरूफ है। पता नहीं कैसे सारा दिन वेले होते हैं लेकिन मसरूफ होते हैं, बस यही समझ नहीं आती। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। व्लॉग आपने मेरे साथ ही शुरू किया तो मेरे साथ ही एंड करोगे। हाँ सही बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक भाई जान। क्या क्या आप, ये तेरी मुसीबत ही आई है, वही चेक कर रहा हूँ। यार व्लॉग सेंड किया मैंने भाई को, मैंने कहा देख लिया करो रात में। बाकी उबैद भाई कुछ आप भी कोई हया कर लो, कुछ शर्मो हया होनी चाहिए आप में, कोई शर्मो हया होनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं है भाई। क्यों? बस क्या, बस आज के व्लॉग में वैसे है क्या, देखना तो हमें कल ही पड़ेगा। आज के व्लॉग में भाई एक आपने प्रोजेक्ट यामा देखा, दूसरा अच्छा, आपने एम्बुलेंस देखी है। एम्बुलेंस में यामा, सच वो टाइटल तूने बता दिया। ये एम्बुलेंस क्या होती है? एम्बुलेंस होती है बेटा, एम्बुलेंस होती है। बाकी यार ये देख रहे हैं, तो यार अभी हसीब भाई जेब हल्की करने लगे हैं, शेख साहब हैं लेकिन जेब हल्की करेंगे हैं हसीब भाई। यार ये ना गरीबों वाली बात ना किया कर मेरे सामने। क्यों बता रहा हूँ यार, तू क्रीम में लगा के क्यों आ जाता है पहले से ये बता। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कुदरती कलर दिया अल्लाह ने। वीडियो में साफ वीडियो में पता चल रहा है तू क्रीम में लगा के आ गया। चलो तू चाट ले फिर। नहीं भाई मैं नहीं चाटता, तू गंदा ना आया अभी नहीं है। बाकी यार अभी चल रहे हैं वहाँ चल के। तो भाइयों यार हसीब ने भाई आज खर्चा कर दिया है 120 रुपीज का कॉफी पर। यार यूसुफ ये गरीबों वाली बात कर दी ना तूने।
क्या गरीबों वाली बात, कॉफी 120 रुपए की। कब देख पहले तू, ये 1500 रुपए की कॉफी है और तू कह रहा है 120। 1500 रुपए की कॉफी भाई पिला दी, अमीर बंदा है यार हसीब, आज मानना पड़ेगा। अब ये बिल दिखाना चाह रहे हैं आप लोगों को, बड़ा यार फिल्म चीज है ये बिल क्या है, ये मेडिकल स्टोर का बिल है भाई। अच्छा मेडिकल स्टोर का बिल है, बाकी ये उबैद आ चुका है भाई, उबैद पियोगे आप? नहीं भाईजन, ये मोबाइल तुम्हारा फिर गिर गया आज यार, मोबाइल गिर ही जा रहा है, पता नहीं किसकी नजर लग गया यार, चेंज ही करना पड़ेगा। एक और आ गया, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, ठीक हो जी भाईजन? कॉफी देख रहे हो, पीनी है आपने? नहीं नहीं, देख रहे हो ना आप, इसलिए मैंने कहा चलो पूछ लेता हूं। मैं देख रहा तरक्की करके आया, नई जगह से फिर के आया यार, भाई को पिलाओ यार, एक सिप लो यार आप, बस गरम है, ख्याल करना, खुली भी है, खुला हुआ है, खुला हुआ है भाई, ना गिरा बैठना यार। पी रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसी है? अच्छी है। पियो यार उबैद आप भी, सारे एक 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 सिप ले लो सारे, ताकि ओ नहुसत आ गई भाई, भागना पड़ेगा यार, कलमा पढ़ लेना भाई, कलमा तो पढ़ना पड़ेगा कलमा तो पढ़ना पड़ेगा। बाकी यार कॉफी बहुत मजे की, थैंक यू हसीब भाई। नो थैंक यू ना कहूँ फिर क्या कहूँ आपको, हाँ हाँ अमीर बंदा हो गया भाई, अमीर हो गया, आपको नहीं पता इसके हाथ कुछ लगा है, क्या लगा है? मेरे हाथ में वो मार्कर का निशान लगा था यूनिवर्सिटी में, वो भी अभी नहा वो भी तो वो भी मिट गया यार, एक और सिप देना और जा भाई शेख साहब। हाँ ये स्लोमो में, ये भाई वीडियो स्लो करने की जरूरत, थैंक्स अ लॉट ब्रो, इंग्लिश सीख लिया भाई ने। बाकी यार सर्दी बहुत ज्यादा हो गई है, आज इतनी सर्दी है ना, अच्छा, आज बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी है, हाय हाय हाय। जैन भाई कैसे हो? 14 सेंटीग्रेड पड़ रहा है, तो 7-8 था लग रहा है। पियोगे जैन भाई? पियोगे 14 है आज, 9 हो रहा है, 9 सर्दी बहुत है, ये आपस में लड़ रहे हैं सेंटीग्रेड के पीछे, तो अभी ये पीते हैं, पीने के बाद आपको मिलते हैं। तो भाइयों घर पहुंच चुका था मैं यार, सर्दी बहुत ज्यादा है इसलिए तो सिंगल शर्ट में फिर रहे हैं आपके भाई, यार आज भूख लगी है मुझे, तो भाइयों खाना करते हैं गर्म, क्योंकि सर्दी की वजह से फौरन ठंडा हो जाता है भाइयों, ओवन में खाना गर्म करके आज आपको घर के खाने का रिव्यू देते हैं। तो अभी खाना जैसे ही आता है साथ ही आपको उसका रिव्यू मिलेगा कि खाना कैसा बना है घर का। और आज मेरी फेवरेट चीज बनी हुई है दाल, चिकन वाली दाल बनी हुई है। Oh my God! तो भाइयों बताओ फिर, आपका भाई शेफ बन गया है कि नहीं? भाई जान गरम करना आ गया आपके भाई को, अब से आपका भाई काम खुद करेगा, क्योंकि कंटेंट भी तो निकालना है यार, कंटेंट नहीं निकलेगा तो फिर हम कहाँ रहेंगे भाई, हमसे नहीं रहा जाता, आप कंटेंट निकाले बगैर हर चीज का आप कंटेंट निकलेगा। बाकी यार ये दाल है चने वाली दाल, आया है चिकन उसके अंदर ऐड है, और ये रोटी है घर की नरम नरम रोटी है, इसको अब हम तोड़ते हैं, आये हाय हाय मजा आ गया। तो भाई ओ यार खाया नहीं अभी, ये ना कह देना कि खाए बगैर ही मजा आ गया, देख के चीज मजा आ जाता है। बाकी खुशबू भी यार बहुत अच्छी आ रही है, तो चिकन और दाल ट्राई करते हैं चने की, ये देख सकते हो यार, आये हाय हाय मजा आ जाएगा। मजेदार मजेगा यार खाना घर का भाई, हम अभी फजूल में बाहर का ट्राई करते हैं, लेकिन बाहर का भी करना पड़ेगा क्योंकि रेस्टोरेंट वगैरह फिरेंगे इंशाल्लाह, सबको रिव्यू देंगे, सीरियस रिव्यू दिया करेंगे, क्योंकि अब से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं हम बाहर के खानों का कंटेंट, बाहर जाया करेंगे, सस्ते से सस्ता खाना भाइयों को ढूंढ के देंगे, भाइयों मुल्तान के खाने अब एक्सप्लोर करने हैं फुल। तो यार अभी ये करते हैं खाना खाते हैं, तो यहीं पर करें ब्लॉग का एंड, उम्मीद है आप सब लोगों को ब्लॉग पसंद है, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।